गोपी चंद्री मां मैनावंती को काफी समझाया, लेकिन मैनावंती को बाबा भर्तृहरि की बताई हुई बातें जो चित्त से नहीं हट रही हैं, क्योंकि बाबा भर्तृहरि ने बता दिया कि मैंने जो योग लिया है इसका एक कारण है, अब मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया हूं, मुझे काल नहीं खाए। कहने लगी कि अगर तू अमर हो गया तो अपने बेटे को भी अमर करा करके रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात तुमने बताई। वही बात अपने बेटे गोपी चंद को बताई कि बेटा तुम्हें अपनी माँ का आदेश मानना होगा और तुम्हें योग लेना होगा। सजनों, माँ मैनावंती हट पे जिद पे आ गई और गोपी चंद को माँ के आदेश का पालन करने के लिए हाँ करनी पड़ी कि हे माँ, अगर तेरी इच्छा है कि मैं योग धारण करूं तो मैं अपनी माँ के आदेश का पालन करूंगा और जैसे तू कहेगी जहां ले जाएगी, जैसे जहां छोड़ देगी, मैं वहीं रह लूंगा। सजनों, एक बार गोपी चंद के लिए जोरदार ताली मार करके स्वागत। मेरे दोस्तों, गोपी चंद को मां मैनावंती हाथ पकड़ के ले जाती है कहां की जो धारा नगरी की सीमा में, जहां बाबा जालंधर नाथ ने अपना धोना लगा रखा था। जालंधर नाथ के पास में धोने पर ले जाती है और ले जा करके बाबा जालंधर नाथ के चरणों में हाथ जोड़ करके सर झुका करके धोने को प्रणाम किया। बाबा जालंधर नाथ जी क्या कहने लगे, मैनावंती क्या फरियाद करने लगी, क्या कहती है, हे रनाथ जलंधर तेरे डेरे पे यो मैनावंती आई, क्यों आई, हेरे योगी कर लो मेरे लाल को गोपी चंद न ल्याई, योगी कर लो मेरे लाल को गोपी चंद न ल्याई, हेरे नाथ जलंधर तेरे डेरे पे मैनावंती आई, योगी कर लो मेरे लाल को गोपी चंद न ल्याई, योगी कर लो मेरे लाल को गोपी चंद न ल्याई। माई, हाँ, तुम्हारी ये सोच, तुम्हारी ये प्रार्थना मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं अपने बेटे को जोग दिलाना चाहती हूँ। आखिरकार क्यों, मेरी बात सुनिए, सुनाइए। नाथरंडापा काट लिया मैं ते भूली नहीं कहानी, नाथरंडापा काट लिया मैं भूली नहीं कहानी, रज सुदिन मर के पति मेरे या सुनी थी राजधानी, गोपी चंद मेरी गोदी में पर वैसे चढ़ी जवानी, गोपी चंद मेरी गोदी में पर वैसे चढ़ी जवानी, हेरा पति मेरे की अमर निशानी, पति मेरे की अमर निशानी, बड़ी मुश्किल ते पाई, हेरे गोपी कर लो मेरे लाल को गोपी चंद ने ल्याई, गोपी कर लो मेरे लाल को गोपी चंद ने ल्याई।
गोपी चंद ने ले आई कि नाज जलंधर इस दुनिया से तो बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए जिनका इस पृथ्वी पर राज हुआ करता था वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी इस दुनिया को छोड़ करके जाए, इसलिए अपने इकलौते लाल को अमर कराना चाहती हूँ। इकलौते लाल को अमर कराना चाहती है? हाँ। तुम्हारे माई तुम्हारे कितने बेटे हैं? मेरा इकलौता बेटा है गोपी चंद। तुम्हारा एक बेटा है? हाँ। और तुम एक बेटे को भी जोग दिलाना चाहती हूँ? आखिरकार क्यों? सुनिए सुनाइए मेरी बात। अरे लाल का भंका, जिस दिन आवे मौत निवाणी अरे लाल का भंका। हेरे योगी कर लियो मेरे लाल को बाकी मिट जा शंका, काम क्रोध मद लोभ मोह में छेला फिर जगत भंका। काम क्रोध मद लोभ मोह में छेला फिर जगत भंका। योगी कर लो मेरे लाल को गोपी चंद ने लाई, योगी कर लो मेरे लाल ने गोपी चंद ने लाई। अगर आपने मेरे बेटे को जोग नहीं दिलाया, नहीं दिलाया तो मैं आपके दरवाजे से वापस नहीं जाऊंगी, अपना सर धड़ से अलग कर दूंगी, आपके यही मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मई तुम्हारी ये जिद बेकार की जिद है। अरे एक दो चार बेटे होते तो एक को जोग दिला देती तो मैं भी इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने ये सुना है कि तुम्हारे एक बेटा है और वो तुम्हारा एक बेटा धारा नगरी का राजा है। हाँ। और तुम्हारे एक बेटे के 16 रानी 12 कन्या है। 16 रानी और 12 कन्या। हाँ। और वो प्रजा का राजा है। हाँ। और उस राजा को तुम योग दिलाना चाहती हो? क्यों दिलाना चाहती हूँ? क्या तुम्हें प्रजा के दुख के बारे में जरा सी भी चिंता नहीं है? सबका दुख जानती हूँ। क्या तुम्हें 16 रानियों का ख्याल नहीं? सबका ख्याल है। क्या तुम्हें 12 कन्याओं का ख्याल नहीं है? इसलिए तो जोग दिलाना चाहता। मैं कहता हूँ मेरी बात मान जा, अपने बेटा गोपी चंद को वापस लेकर घर चली जा। मेरी बात सुनिए। कहिए। सुनिए। धूने पे करूं जान की ढेरी, ना मानो तो थर धूने पे करूं जान की ढेरी। मेरे गोपी चंद मेरे लाल पे इतनी मेहर भतेरी, मन माया और काल बली की मृत्यु लोक में फेरी, मन माया और काल बली की मृत्यु लोक में फेरी। योगी करे मेरे लाल को गोपी चंद ने लाई, योगी करे मेरे लाल को गोपी चंद ने लाई।
आगे सतगुरु तेरा हो गया राम ही माती। ये अब ते आगे सतगुरु तेरा हो गया राम ही माती। हेरते के योग अलग हो माता आज तलक तेरा साथी। बक्सा दूध चढ़ा धूने पल जीत गुरु बजरे छाती। हरकेश सिंह को कोन्या भाती, हरकेश सिंह को कोन्या भाती, गंदी करनी कविताई। अरे योगी कर ले करे लाल को गोपी चतन लाई। योगी कर ले मेरे लाल को गोपी चतन लाई।